अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे तीन ऐसे फोन्स जो कि इस महीने में लॉन्च होने हैं लेकिन अभी तक लॉन्च हुए नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों फोन काफी स्पेशल हैं। हालांकि थोड़ा देर हो गई इन फोन को लॉन्च होते होते, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोन इस महीने में लॉन्च होंगे लेकिन धमाका अगले महीने तक रहेगा। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फोन की जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के iPhone 10 के बारे में जो कि आएगा इंडिया में 3 तारीख से, लेकिन उसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी कल से। तकरीबन 89,000 रुपीज में मिलेगा जो कि अच्छे खासे पैसे हैं। अगर आपके पास खूब सारे पैसे हैं तो डेफिनेटली आप आईफोन 10 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप आईफोन 10 बाहर से भी खरीद सकते हैं और अब आपको वारंटी मिल जाएगी आईफोन 10 पे इंडिया में। और इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करें आईफोन 10 की। आईफोन 10 बहुत ही स्पेशल फोन है और डेफिनेटली अगर आपको बिल्कुल प्रीमियम फोन लेना है, आज के टाइम का सबसे ज्यादा प्रीमियम फोन, ऐसा फोन जिसे आप फ्लॉन्ट कर सके, ऐसा फोन जिसे आप दिखा सके कि भाई मेरे पास आईफोन 10 है, तो डेफिनेटली आप आईफोन 10 के लिए वेट कर सकते हैं। पैसे आपको ज्यादा खर्च करने होंगे, लेकिन हाँ, तरीके हैं उसको सस्ते में खरीदने के लिए भी। उसके लिए आपको मंगाना होगा आईफोन 10 बाहर से। अगर हम बात करें आईफोन 10 की प्राइस तो तकरीबन 89,000 से शुरू होगी, और अगर हम बात करें उसके दूसरे वर्जन की प्राइस जो कि है 256 GB, जो कि 1,00,000 से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, तो ऐसे में इतने पैसे आपको खर्च करने होंगे। लेकिन सिर्फ आईफोन 10 नहीं बचा है लॉन्च होने से, और भी एक और फोन है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि बढ़िया फोन होने वाला है। हालांकि कुछ इश्यूज यहां पे हमें सुनने में आए हैं रिव्यूअर्स के साथ जो हो रहे हैं इस फोन के बारे में, और ये फोन आता है गूगल की तरफ से। गूगल का पिक्सल पिछले साल लॉन्च हुआ था, इस साल लॉन्च होगा पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL, और ये दोनों ही फोन जो है कल हमारे पास आ जाएंगे और आपके लिए हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। आगे आने वाले समय में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से कैमरा कंपेयर होगा आईफोन 10 का, जो कि मेरे इस हाथ में होगा जो कि फिलहाल है नहीं, और आईफोन 10 को हम कंपेयर करेंगे पिक्सल 2, पिक्सल 2 XL के साथ, क्योंकि कैमरा दोनों ही फोन्स में अच्छे हैं जिस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। हालांकि डिस्प्ले के साथ कुछ इश्यूज यहां पे देखने को मिल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर यहां पे जो मिलेगा एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, iOS जो मिलेगा आपको आईफोन 10 में वो भी आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फोन जो है एक टक्कर का मुकाबला एक दूसरे को देने वाले हैं। आईफोन 10 की लुक्स बहुत बढ़िया है, आईफोन 10 का iOS के अंदर नए फीचर्स हैं, जबकि पिक्सल 2 का कैमरा बहुत ही बढ़िया है, और जो इनिशियल कंपैरिजन हुए हैं ऑनलाइन उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पिक्सल 2 में आपको क्लैरिटी डिटेल्स वगैरह जो है अच्छी देखने को मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें हम भी पता लगाएंगे। और पिक्सल 2, पिक्सल 2 XL जो है अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च होंगे, आप समझ लो कि आईफोन 10 से थोड़ा सा सस्ते रहेंगे, और ऐसे में लुक एंड फील जो है पिक्सल 2 या पिक्सल 2 XL की इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, पीछे की तरफ से या फिर आगे की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोन्स नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फीचर देता है गूगल, किस तरह से गूगल कन्विंस करेगा आपको पिक्सल 2 या पिक्सल 2 XL लेने पे। अभी फिलहाल अगर आप दिल्ली में घूमें इधर उधर जाएं तो आपको जगह जगह पे बैनर बोर्ड्स पे एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा पिक्सल 2 का, जिसमें गूगल ये कह रहा है कि भाई आप फोटो खींचे और डिलीट करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो भी अनलिमिटेड स्टोरेज आपको पिक्सल 2 या पिक्सल 2 XL के साथ मिलेगी वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि अनलिमिटेड स्टोरेज तभी है जब आप फोटोज को अपलोड करते हैं, और फोटोज को अपलोड करने के बाद 2 साल के बाद वो स्कीम जो है खत्म हो जाती है। यानी कि पिक्सल 2 लिया आपने, 2 साल बाद वो स्कीम खत्म हो गई, फिर पिक्सल 3 आ जाएगा तो आप उसे खरीदिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में हमेशा झोलझाल रहता है, चाहे वो गूगल हो एप्पल हो, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। अब हम बात करते हैं एक और फोन की जो कि इस लीग में नहीं है और जो कि लॉन्च होना है इसी महीने में। अब ऐसे में ये फोन आ रहा है नोकिया की तरफ से। नोकिया के जो फोन्स लॉन्च हुए इंडिया में, कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी का इशू रहा है, प्राइस ठीक रही है तो अवेलेबल नहीं हुआ है। नोकिया से बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि नोकिया का सप्लाई चेन जो है थोड़ा वीक चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। आई होप कि समय के साथ वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन नोकिया 7 यहाँ पे होने वाला है स्पेशल फोन, जो कि लॉन्च होगा 31 अक्टूबर को, और ये ग्लोबल लॉन्च है, और ग्लोबल लॉन्च के साथ जो नोकिया 7 है वो इंडिया में और इंडिया के बाहर एक साथ लॉन्च होगा। यानी कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है नोकिया के लिए, और नोकिया ऐसा सिर्फ इसलिए ही कर रहा है ताकि वो चीज इंडिया वालों को भी उसी समय पे मिले जिस समय पे वो बाहर के देशों को मिले। अब नोकिया 7 की बात करें तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव स्पेसिफिकेशन के साथ अगर मैं बताऊँ आपको कुछ चीजें नोकिया 7 के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 630 मिल रहा है, जो कि फिलहाल किसी भी फोन में इंडिया में नहीं है।
स्नैपड्रैगन 630 क्या है भाई? स्नैपड्रैगन 630 है अपग्रेड स्नैपड्रैगन 625 का, जो कि आपको Redmi Note 4 में मिलता है। तो Redmi Note 4 का अपग्रेडेड हार्डवेयर आपको Nokia 7 मिल रहा है, Nokia 7 में आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी मिल रहा है, साथ ही साथ डुअल कैमरास नहीं मिल रहे हैं। इसमें आपको 4GB और 6GB रैम वाला मॉडल मिलेगा, 3000mAh की बैटरी मिलेगी, 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। स्नैपड्रैगन 630 इसका मेजर की पॉइंट होगा, सेलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर ये फ़ोन समय से आ जाता है तो हो सकता है इससे पहले कोई भी ऐसा फ़ोन ना रहे जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 630 आपको मिले, तो ऐसे में डेफिनेटली ये फ़ोन अच्छा होगा, लेकिन महंगा भी होगा। यानी कि स्नैपड्रैगन 630 वाला ये फ़ोन आपको कम से कम 25,000 में मिलेगा, क्योंकि इसकी अगर चाइना प्राइस आप कंपेयर करें तो 25,000 रुपये तो बनती ही है। अब ऐसे में नोकिया अगर इसे एग्रेसिवली प्राइस करता है तो हो सकता है ये 20-23 हज़ार के आसपास कुछ आ जाए, लेकिन अभी हमें वो पता नहीं है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाएगा इसमें आपको, साथ ही साथ 16:9 वाला डिस्प्ले मिलेगा, इन्फिनिटी डिस्प्ले नहीं मिलेगा, 18:9 वाला नहीं मिलेगा, जो कि बहुत कॉमन हो गया और सबको चाहिए। तो यहाँ पे हार्डवेयर इस फोन का अच्छा होने वाला है, और ये हो सकता है कि नोकिया के लिए एक बढ़िया फोन बन जाए जिससे नोकिया एक अच्छा कमबैक कर पाए, जो कि अभी तक तो वो कर नहीं पाए हैं। तो ये तीन फोन थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि इस महीने में आने वाले हैं, जिनका आपको वेट भी करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आईफोन 10 लीजिए, अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं और फ्लैगशिप लेवल का फोन लेना है तो पिक्सल 2 लीजिए या पिक्सल 2 XL लीजिए, और अगर आपको चाहिए अफोर्डेबल और अच्छी ब्रांडिंग वाला फोन, यानी कि नोकिया का बढ़िया आफ्टर सपोर्ट और नोकिया की ब्रांडिंग वाला फोन, तो आप नोकिया 7 ले सकते हैं, क्योंकि नोकिया 7 डेफिनेटली हार्डवेयर वाइज बेहतर है Redmi Note 4 से, जो कि बहुत ही पॉपुलर फोन रहा है, लेकिन Redmi Note 5 तो आया नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है Xiaomi भी यहाँ पे कम्पीट करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि वो Redmi Note 5 जल्द से जल्द लॉन्च कर दें। हालांकि फिलहाल उसकी कोई खबर हमारे पास नहीं है, जब आएगी तब बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।